नमस्कार, टीम परीक्षा प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आई थी, जो कि हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ टाइपिंग के संबंध में था। उस वीडियो के बाद बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आई हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल परीक्षा प्लस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा टीम द्वारा जो है वो एक पेड कोर्स भी चलाया जा रहा है, तो अगर आप लोगों में से जो भी चाहे इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए पहले आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि टाइपिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पर होगी या फिर पेपर पर होगी। तो देखिए, टाइपिंग जो है वहाँ पर सॉफ्टवेयर पर होती है। वहाँ पर होता क्या है कि जब आप जाते हैं तो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है। उस सिस्टम पर एक साइड में आपको मैटर शो करता है और उस मैटर को एज इट इज जो है वो आपको देखकर टाइप करना होता है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो टाइपिंग होती है वो पेपर पर नहीं होती है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर पर होती है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आपका था कि जो इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड जैसे वर्ड्स होते हैं उनको आपको एज इट इज टाइप करना होता है। तो जी हाँ, आपको वहाँ पर उनको एज इट इज टाइप करना होता है। एक्चुअली है क्या कि जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की जगह एक वर्ड लिखा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का मतलब ये है कि जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो आपकी जो कंप्यूटर के लिए जो बेसिक समझ है उसकी परख पहले ही कर लेना चाहता है। तो इसलिए आप लोगों को अन्य एग्जाम्स की तरह नॉर्मल टाइपिंग मैटर प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। आपको जो है वो एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसी फॉर्मेट पर आपको वहाँ पर टाइपिंग करनी होती है। और अगर आप उस फॉर्मेट से थोड़ा भी अलग जाते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो आपको मैटर दिया जाएगा उसमें जो वर्ड जिस तरीके से लिखा है आपको एज इट इज़ वैसा ही टाइप करना है। ठीक है, तो एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी है कि आप में से किसी ने पूछा है कि आपके पास जो है अभी ट्रिपल सी नहीं है और ट्रिपल सी जो है वो शायद अक्टूबर या नवंबर में कंप्लीट होगा, तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो ट्रिपल सी है वो जो फॉर्म आया है उसकी जो लास्ट डेट है, यानी उस नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और अगर उस लास्ट डेट के बाद का डिप्लोमा होता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में मान्य नहीं होता है। तो इसलिए इसमें भी यही सेम कंडीशन है कि जो ट्रिपल सी है आपको नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वहाँ तक का आपका ट्रिपल सी मान्य होगा, उसके बाद का ट्रिपल सी मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो है आपका बैक स्पेस। देखिए, बैक स्पेस जो है वो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बैक स्पेस का यूज़ होता है या नहीं होता है। तो जी हाँ, बैक स्पेस का यूज़ आप कर सकते हैं, वहाँ बैक स्पेस अलाउ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो मैटर है वो आपको पूरा एक फॉर्मेट प्रदान किया जाता है और फॉर्मेट में स्पीड को मेंटेन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि बैकस्पेस का जो यूज़ है वो आप कम से कम करें। तो बैकस्पेस अलाउ होता है, इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, बैकस्पेस अलाउ है। लेकिन आप जो प्रैक्टिस करें वो अभी से ऐसी कीजिए कि आप कम से कम बैकस्पेस यूज़ करें, ताकि वहाँ परीक्षा हॉल में पहुँच कर जो स्पीड मांगी गई है उसको आप आसानी से कवर कर पाएँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का है कि अगर आप लोग जो हैं वो मैटर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आपकी स्पीड अच्छी आती है और मैटर ज़्यादा टाइप कर लेते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, नोटिफिकेशन में जो है वो साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि 500 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। उन 500 वर्ड्स के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो टाइप करते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको डिलीट कर दिया जाएगा, यानी उनकी उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग वहाँ पर जाके पूरा फोकस इस बात पर रखिए कि आपकी स्पीड जो है वो नॉर्मल मेंटेन रहे, प्लस आपसे गलतियां कम से कम हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप हड़बड़ाहट में जो है वो टाइपिंग करेंगे तो आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और आप अच्छी स्पीड ले भी आते हैं तब भी जो है आपके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड पर फोकस नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके रखनी है, प्लस आपको वहाँ पर बिल्कुल सही मैटर टाइप करना है। ठीक है, एक चीज़ और, टाइपिंग
के मैटर को लेके जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उसके संबंध में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो देखिए, मैटर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो आपको कुछ ऑर्डर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा जो पेड बैच चलाया जा रहा है हमारी टीम द्वारा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप इस एग्जाम के संबंध में पूरी जानकारी, पूरी गाइडेंस जो है वो पा सकें। तो ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो टाइपिंग के संबंध में आपको क्लियर हो गई होंगी, जितने भी ये डाउट्स हैं आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी तरीके की आगे भी कोई समस्या हो तो आप जो है परीक्षा प्लस जो है वो आपका मार्गदर्शन करेगी, और किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।